मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे 54 वर्षीय की हत्या का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। अमरावती डीसीपी विक्रम साली ने जानकारी देते हुए बताया है कि सोशल मीडिया में नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और इसी वजह से उमेश कोल्हे की हत्या हुई है और इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जानकारी के अनुसार 21 जून को उमेश हर रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे और तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उमेश कोल्हे की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पहले ये खबर चोरी लूटपाट की वजह से हत्या हुई है इस तरह से जानकारी मिली थी और अब इसका खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया में नुपुर शर्मा का समर्थन किया था उमेश कोल्हे ने और इसी वजह से हत्या हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। अमरावती डीसीपी विक्रम साली ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। मर्डर केस है, उसमें हमने अभी तक 6 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें प्राइमा पेसी वही जिन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसी के बावजूद ये अपराध हुआ है। क्या कारण इसके पीछे आपको लग रहा है? क्या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए गए थे या वायरल किया गया था कुछ? हाँ, सोशल मीडिया पे उन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट किया था, उसी वजह से ये अपराध हुआ। कितने लोगों को अब तक? अभी तक 6 एक्यूज को अरेस्ट किया है। अभी कुछ लोगों की और? हाँ, और भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस पूरे मामले में NI ने भी अभी टेक ओवर किया है, आपके पास कोई जानकारी इसके विषय में? अधिकृत नहीं है जानकारी। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमरावती में कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की पोस्ट करने के मामले में कुछ थ्रेट आया है, पुलिस के पास कुछ जानकारी है ऐसी? अगर थ्रेट आया है तो हम जरूर उसके ऊपर कड़क कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है सर? अभी तक को 6 एक्यूज अरेस्ट किए हैं, अभी शुरू है जांच। आज फैमिली ने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में कहा कि ये रॉबरी का मामला है, ये लूट का मामला है। नहीं, हम सभी एंगल से उसका तपास कर रहे थे।